था पिछले एपिसोड में कि हम नोएडा से निकले केरला जाने के लिए बाय रोड एंड रात को हम अलवर पहुंच गए। आगे शहर में क्या देखते हैं वो हम अपनी अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अलवर फोर्ट पे। अलवर फोर्ट के कुछ हिस्से अभी एक गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत जल्द सरकार इन ऑफिसों को एक नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर रही है। सर, पहले पहले मोन्यूमेंट है जिसको कहा जाता है मूसी महाराज की छतरी। इसको बनाया था महाराजा विनय सिंह ने 1850 में 1815 में। क्यों बनाया था? जो मूसी रानी थी सर, वो 18th century में आपस सती हुई थी महाराजा बख्तावर सिंह के साथ। तो उनकी याद में उनके सोते हुए बेटे महाराजा विनय सिंह ने पैलेस को मेक किया था, जिसको करौली के रेडस्टोन से मकराना के वाइट और ब्लैक मार्बल से पैलेस बनाया गया था। जो सती के मोन्यूमेंट है राजस्थान में, इससे बड़ा पैलेस कहीं भी नहीं है। जैसे आपको देखने पीछे बैग में जो बना हुआ, इसको कहते हैं मूसी महारानी की छतरी। फिर पर महाराजा और मूसी महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी रानी के फुटप्रिंट है, बट वो ओरिजिनल फुटप्रिंट है, वो मेमोरियल फुटप्रिंट है जिनकी एवरीडे प्रेयर होती है, पूजा पाठ होती है। और एक है होली वाटर टैंक, उस पानी को लगाने से कहते हैं कि बच्चों के जो ब्रिज जो है ना नज़र वगैरह होती है वो कभी नहीं लगती। इस तरीके का पानी का होली वाटर टैंक अब सिर पर बना हुआ है। और आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन दिया वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक स्टोन पर रामायण का सीन है और दूसरे स्टोन पर महाभारत का। अब हम हैं सिटी पैलेस में, जो महाराज बख्तावर सिंह जी ने 1775 में बनवाया था। ये जगह उनका दीवाने आम है। यहाँ गोल्ड के सिंहासन रखा हुआ था, एक तरफ मंत्री और एक तरफ सेनापति बैठा करते थे। किसी दोषी को फांसी की सजा भी यहीं दिया करते थे। ऊपर दोनों तरफ के जो सेक्शन हैं वहाँ एक तरफ महिलाएँ और एक तरफ पुरुष बैठा करते थे। टू सी द हैपनिंग्स ऑफ दीवाने आम। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ का म्यूज़ियम बहुत ही स्पेशल है एंड वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। उसके लिए स्पेशल आपको यहाँ पे आना चाहिए। आपको इस म्यूज़ियम में पृथ्वीराज चौहान के तलवार, अकबर के तलवार और मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स, मतलब मैं अपने मुँह से क्या बयां करूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप देखते दंग रह जाएंगे। म्यूज़ियम के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी, इस वजह से हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं जो आप लोगों के साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सिटी पैलेस के बाद हम बाला फोर्ट की तरफ चले हैं। ये एक टाइगर रिज़र्व सेंटर के अंदर पड़ता है, तो हमें जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। टिकट के बाद प्रॉपर चेकिंग होगी आपकी और इस गेट से आप अंदर जाएंगे। और रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लैंडस्केप्स हैं
मे बी हम बारिशों के वक्त गए हैं तो पूरा ही ग्रीन ग्रीन था। आप हो सकता है कि गर्मियों में आपको ये ग्रीनरी ना मिले, आपको थोड़ा सा रूखा सूखा मिले, बट रास्ता बहुत सुंदर था। बीच में आपको टावर्स दिखेंगे, एंट्रेंस गेट्स आएंगे, इट्स लाइक अ वेरी नाइस ड्राइव। हाँ, सड़कें थोड़ी ख़राब है, सो इट बेटर टू ड्राइव सेफ। अनफॉर्चुनेटली बाला किला अंडर मेंटेनेंस था, फिर भी हमें अंदर जाके देखने का अनुमति मिला। बाला किला लगभग समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर है। इसी ऊंचाई की वजह से ये किले पे कभी भी बाहरी दुश्मन का अटैक नहीं हो पाया। इस किले को बनाया था हसन खान मेवाती ने 1581 AD में। फिर ये मुग़लों से मराठास के पास, फिर जाट्स एंड फाइनली कछवाहा राजपूतों के पास आया। 1775 में राजा प्रताप सिंह जी ने इसे टेक ओवर किया, जो कि अलवर स्टेट के भी फाउंडर हैं। हम लोग अपने होटल लेमन ट्री से तकरीबन 16 किलोमीटर ड्राइव करके, आप रास्ता देखिए, रास्ता दिखाओ जरा, ऐसे रास्तों से ड्राइव करके, ऐसे रास्तों से ड्राइव करके हम पहुंचे थे कौन सा सिलासर लेक के पास। एक पैलेस है, उस पैलेस में वो 24 आवर ओपन है, उसका रेस्टोरेंट वो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट का है, तो वहाँ पे आए थे कि डिनर करेंगे। अभी कुछ खास टाइम भी नहीं हुआ, हम लोग 11 बजे से पहले पहुँच गए थे वहाँ। वो 24 आवर ओपन है बट उसका गेट बंद है, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, लाइटें जली हुई हैं। फिर हमने गूगल से नंबर निकाला तो नंबर जो निकला वो 4 साल पहले रिटायर हुए एक एम्प्लॉय का था, बट उन्होंने कहा कि वैसे तो सर 24 आवर ओपन है लेकिन लोग परेशान करने आते हैं रात को हमारी तरह, सॉरी दारू पी के लोग उन्हें परेशान करते हैं, इस वजह से वो बंद है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, लेट्स सी अलवर में रात में कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमारा होटल लेमन ट्री में मैं नहीं करना चाहता डिनर, मैं वहाँ का खाना खा के पक गया हूँ। तो अब कुछ अलवर में मिलता है या नहीं देखते हैं। तो हम फौजी डोबा पहुंच चुके हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ये जगह मिली है। यहाँ पे ये थाली मंगाई है मैंने, जिसमें ये छाछ है, दाल बाटी चूरमा है और ये गट्टे की सब्ज़ी है। सुबह आज तूने कुछ और भी मांग लिया होता तो ये मिल जाता, तो हमने एक ही मंगाई है, लेकिन देख के अभी हम लोगों ने एक और मंगाई है। तो एक बार मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ। क्या बताऊँ, छोड़ ये खाता हूँ दाल के साथ। वैसे इसे तोड़ के इसे मिक्स करके खाया जाता है, जो वैसा है जैसे कि घर में बनता है। एक होता है जैसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें बहुत रिच बनता है, वो खाया नहीं जाता। ये ऐसा है कि मैं तो
10-15 खा लूँगा, तुम्हारा भी थाली में खा सकता हूँ। सर आपको ये खाना बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। स्पेशली राजस्थानी खाना के लिए रात को ढूंढ रहे थे अभी हम, तो ये फ़ोन करके एंड थैंक्स कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सोचा, मैंने तो पुलिस वाले से भी पूछा था कि ना अभी खाना कहाँ मिलेगा, उसने बोला भैया एक ही जगह मिलेगा, फौजी ढाबे पे। फिर हमने GPS पे लगाया और आपको फ़ोन भी किया उसके बाद। आप अलवर में किसी से पूछेंगे, नॉर्मली अगर पूछेंगे कि आपको शुद्ध शाकाहारी और प्योर फूड घर जैसा खाना खाना है, तो आपको अपना फौजी राज सजेस्ट करेंगे। और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि हाँ भैया गूगल भैया बताओ अलवर में कहाँ बेस्ट ढाबा कहाँ पर है, एक ही बताया उसने, तो आपको फौजी राज ही सजेस्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं हम आपके लिए घर जैसा खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर वो नहीं है जैसे आपको एक प्रीमियम लग्जरी वो 5-star वाला फील तो नहीं मिलेगा। आप मानोगे नहीं, थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ शूट कर रहा था तो मैंने यही बोला कि दाल बाटी चूरमा जब हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं जो कि थोड़ा हाई फाई होगा, तो खाया नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच बना देते हैं। और जब आप उसे घर जैसा बनाते हो ना, जैसे उदयपुर वगैरह में मिलता है, तो वो उस समय तो मैं ऐसे 10 प्लेट भी खा सकता हूँ, लेकिन वो तो अगर 2-3 भी खाऊंगा तो मैं वहीं पर डन हो फुल हो जाएगा। ये ऐसा है जैसे अपनी माँ का हाथ का बन खाते ना चूरमा, कुछ वैसे ही आपको टेस्ट मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ढाबे पे मतलब किसी 5-star होटल पे या फिर ऐसा आप खा रहे हैं, वैसा टेस्ट नहीं आएगा आपको। आपको टेस्ट आएगा जैसे अपनी माँ का बनाया हुआ खाना आप खा रहे हैं और अपने घर में जैसा बनाए, वैसे ही चूरमा आपको फील आएगा यहाँ पर खाने। ये 1999 में हुआ था, इनका नाम फौजी अमर सिंह मीणा है, रिटायर्ड आपके आर्मी के जवान है वो। कौन से EME 20 इंजीनियरिंग। हाँ, EME से रिटायर्ड है, 1999 में रिटायरमेंट लिया था इन्होंने, और रिटायरमेंट के बाद ही इन्होंने ढाबे की ओपनिंग कर दी थी। अभी है, अभी है कहाँ पर है? अभी तो बाहर ही बैठे थे लेकिन अब रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना घर का खाना भी यहाँ ला के खा सकते हो, क्या वाकई में आप अलाउ करते हो उसको? हाँ सर, होता ही है कि कई लोग अपना घर का खाना लेके आते हैं। अब मैं भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं भी पसंद नहीं करता जल्दी से कहीं बाहर खाऊं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी सेविंग्स करके आते हैं, उनके फेयर भी अफोर्ड करना उनके कई बार मुश्किल होता है, तो वो लोग अपना घर का खाना लेके आते हैं। तो वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी ढाबे पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, तो वो बाहर बैठ रहे हैं या अंदर बैठे, तो उनके लिए थोड़ा सा ऑड होता है कि ऑकवर्ड होता है कि आप कहाँ खा रहे हो, कैसे खाओगे, कहीं आप कुछ बोल तो ना दें या कुछ आपसे चार्जेस ना लगा दें। तो इसीलिए हमने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है स्पेशली कि आपको ये फील ना हो कि आप कहीं बाहर खा रहे हो, यहाँ स्पेशली में लिखा हुआ है कि आप अपना घर का खाना खा सकते हो, अपना चाहे आपका खुद का खाना हो चाहे हमारा खाना हो, हमारा काम खिलाने का है, सर्व करने का है, और वो आपका खाना हो चाहे हमारा हो, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चाहे आप पानी में मत लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वी आर हैविंग डिनर राइट नाउ, लेट्स सी कल क्या होता, कल का दिन कैसे देखते हैं।